गीता में कहा गया है, सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। परमात्मा को यज्ञ पुरुष कहा गया है, उन्होंने ये सृष्टि यज्ञमयी बनाई है। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल यज्ञ कुंड में की जाने वाली आहुतियों तक ही सीमित नहीं है, यज्ञ का व्यापक अर्थ है परमार्थ भाव से किया गया आदर्श कर्म। सृष्टि का संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस, एक यज्ञीय प्रवाह है। प्रकृति यज्ञमय है। समुद्र से पानी बादल बनकर, वर्षा के द्वारा नदियों में होता हुआ भूमि, वृक्ष, वनस्पति, प्राणी मात्र को तुष्ट करता हुआ पुनः समुद्र की ओर बहता रहता है। ये एक यज्ञीय चक्र है। मानव शरीर का संतुलन यज्ञीय प्रवाह है। हाथ ने भोजन पाया, मुख को दिया, मुख ने अपने रस मिलाए, पेट को दिया, पेट ने पचाया, सारे शरीर में रस पहुंचा दिया, उससे प्राप्त शक्ति से फिर अन्न का उत्पादन हुआ। ये जीवन चक्र अर्थात लाइफ साइकिल है। यज्ञ प्रक्रिया इस संसार और ब्रह्मांड का नाभिक यानी न्यूक्लियस है। यज्ञ अग्निहोत्र में प्रकृति से प्राप्त श्रेष्ठ पदार्थ को श्रेष्ठ भावना युक्त मंत्रों के साथ अग्नि में होम कर पर्यावरण को पुष्ट किया जाता है। जीवन यज्ञ में इदम् न मम, यह मेरा नहीं है का भाव ही यज्ञीय जीवन का अभ्यास है। जब मनुष्य अपनी बुद्धि, शक्ति और साधनों को अपनी संपत्ति नहीं परमात्मा की धरोहर मानता है, तो उसे श्रेष्ठ आदर्श प्रयोजनों में लगाता है। जब उन्हें अपनी संपत्ति मान बैठता है, तो स्वार्थ भरे उपयोग करके बुद्धि से घोटाले, शक्ति से आतंकवाद और साधनों से व्यसन पैदा करने लगता है। मनुष्य के कार्यों से यज्ञीय अनुशासन हट जाने के कारण हमारे कर्म दुर्गति के कारण बन रहे हैं। यज्ञीय परमार्थ इदम् न मम के भाव से जब विभूतियों का उपयोग होने लगेगा, तो फिर मनुष्य में देवत्व जागेगा, धरती पर स्वर्ग उतरेगा। मनुष्य जीवन में यही यज्ञीय अनुशासन फिर से स्थापित करने के सफल प्रयोग चल रहे हैं। युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में, जिसके अंतर्गत पूरे देश में, विदेशों में यज्ञीय आंदोलन चलाया जा रहा है। अग्नि होमादि के साथ ज्ञान यज्ञ और सेवा यज्ञों का प्रवाह पैदा किया जा रहा है। आप भी भाग ले सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वः। इदं गायत्री इदं नमः। यज्ञ एक ऐसी विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है जिसे हमारे ऋषियों ने आरंभ की। कई लोग ये समझते हैं कि यज्ञ का मतलब केवल लकड़ी जलाना, धुआं पैदा करना और किसी तरह से कर्मकांड की मात्रा से समाप्त कर देना है, बल्कि हमारे ऋषियों ने इसे एक वर्कशॉप के रूप में आरंभ किया था कि व्यक्तित्व को परिष्कृत करने की प्रयोगशाला है। इस अग्नि की लौ के साथ पूरा शरीर गर्म होता है। शरीर की गर्मी के साथ शरीर त्वचा से भी श्वास लेता है, श्वास स्थान से भी श्वास लेता है,
और इससे जो शरीर के अंदर जो हमारे फ्री रेडिकल्स जिनको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में जाते हैं, नेगेटिव आयंस प्रचुर मात्रा में जाते हैं और इनकी कमी दूर हो जाती है जिनकी वजह से हमें तनाव होता है। यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर के प्रसुप्त केंद्रों को जगाता है और वातावरण के जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको संदेश भेजता है। मंत्र शक्ति, यज्ञ ऊर्जा, साधक की पवित्रता या साधक की प्रखरता के माध्यम से, एक सम्मिश्रण के माध्यम से यज्ञ जहाँ होता है उसके आसपास के क्षेत्र में उर्वरता बढ़ती है, हरितिमा बढ़ती है और प्रदूषण निवारण होता है। वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से कैसे यज्ञ प्रभावित करता है ये ब्रह्मवचस के शोध संस्थान में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। यज्ञ के विज्ञान को समझने के बाद किसी के मन में कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि यज्ञ हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। ये एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो कि नियमित रूप से प्रत्येक साधक के द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो यज्ञीय जीवन जीना चाहता है उसे किया जाना चाहिए।